हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोल्यूशन नजर में। खता संबंधी तक्रारीसाठी सरकारचा व्हाट्सअप नंबर, तो क्या है पूरी जानकारी और अपडेट जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि आपको आगे भी किसानों से जुड़ी हर जानकारी और अपडेट इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई खत विक्रेते शेतकऱ्यांना विशिष्ट कंपनीचे खत घेण्यासंदर्भात सक्ती करतात किंवा अनधिकृत खते विकून फसवणूक करतात। शेतकरी गरजेपोटी अशी सक्ती मान्य करतात। खताची लिंकिंग करणाऱ्या अशा खत विक्रेत्याविरुद्ध शेतकऱ्यांना तक्रार करण्यासाठी तत्काळ व्हॉट्सअप क्रमांक सुरू करून तो शेतकऱ्यापर्यंत पोचवावा, असे निर्देशन कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी विभागाला दिले आहेत। कृषी निविष्ठा व गुण नियंत्रण व बियाणे पुरवठ्याबाबत मंत्रालयात त्यांनी कृषी विभागाचा आढावा घेतला। कारवाई कशी होणार? शेतकऱ्यांनी व्हॉट्सअप क्रमांकावर तक्रार केल्यावर त्यांच्या नावाबाबत गोपनीयता ठेवण्यात येईल। संबंधित जिल्ह्यातील भरारी पथकांना मॅसेज जाऊन त्यांनी तत्काळ तपासणी करावी। दोस्तों, खत विक्रेता किसानों को किसी असाधारण कंपनी का खत खरीदने को मजबूर करते हैं, या फिर जिसे अधिकार ना मिला हो ऐसे खत बेचकर धोखाधड़ी करते हैं। ऐसे खतों के संबंध में तकरार करने के लिए कृषि मंत्री धनंजय मुंडे इन्होंने विभाग को एक व्हाट्सएप क्रमांक शुरू करने के लिए कहा है और किसानों को पहुंचाया जाए इस तरह से निर्देशन दिया है। और दोस्तों, इसमें खास बात ये होगी, व्हाट्सएप नंबर पर शिकायत करने वाले किसानों का नाम गुप्त रखा जाएगा। दोस्तों, वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को हर किसान तक शेयर ज़रूर करें, ताकि कोई भी किसान असाधारण कंपनी का खत खरीदने से बच जाए। थैंक यू।